हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चीन का संविधान और चीन के संविधान की विशेषताओं के बाद हमने शुरू किया था चीन का साम्यवादी दल और उसका संगठन भूमिका कि किस प्रकार से चीन का साम्यवादी दल एक प्रमुख दल बना हुआ है जिसने चीन की सरकार को अपने अधीनता में कार्य करने के लिए विवश कर दिया है। तो क्या है चीन के इस साम्यवादी दल की विशेषताएं, उनसे हम लोग परिचित हो चुके हैं। तो चीन का साम्यवादी दल का जो संगठन है उसे हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार की जटिल प्रक्रियाओं के बाद चीन के इस साम्यवादी दल की नियुक्तियां होती हैं और इन नियुक्तियों में जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी संख्या से ज्यादा इस साम्यवादी दल में उनकी गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाता है। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं और उनकी जो कार्य और भूमिका की जो पांच मुख्य पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज उन्हीं सी क्रम में आज हम छठा मुख्य पॉइंट पढ़ रहे हैं, चीन के साम्यवादी दल का संगठन व भूमिका के अंतर्गत छठा मुख्य पॉइंट है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, पहला है लोकतांत्रिक और दूसरा है केंद्रीकरण। तो लोकतांत्रिक का अर्थ होता है जनता की पूर्ण सहभागिता, यानी जनता की राजनीतिक सक्रियता का से उसका अर्थ लिया जाता है कि चीन की जनता कितनी जागरूक है और कितनी राजनीतिक रूप से सक्रिय है कि वो सरकार के प्रत्येक कार्य में अपनी अहम भूमिका अदा करती है, तो इस वजह से वो लोकतांत्रिक है। और दूसरी बात है केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण का अर्थ होता है शक्तियों का एकत्रीकरण। तो ये दोनों ही बातें चीन के साम्यवादी दल में मौजूद है। किस रूप में मौजूद है इसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि केंद्र में लोकतांत्रिकरण है वो किस रूप में है कि जो वहां के कार्यकर्ता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस रूप में वहां पर कार्य होते हैं, मजदूर, शिक्षक और किसान और गरीब मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग के लोग ही साम्यवादी दल के सदस्य होते हैं और ये सदस्य केवल अपनी राय, अपने से उच्च जो अधिकारी होते हैं उन तक पहुंचाते हैं अपनी विचार और अपनी राय को, जो ये लोग देखते हैं वो अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, उसके बाद में ये उच्च से उच्च लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहते हैं और इसी तरीके से नीचे से लेकर ऊपर तक जो शक्तियां हैं ऊपर तक चली जाती हैं और ऊपर का जो भाग है वो बिल्कुल केंद्रित भाग है, एक छोटा सा भाग है। सभी निर्णय और आदेश निर्देश उन्हीं के द्वारा दिए जाते हैं और नीचे वाले जो कार्यकर्ता है वो केवल ऑर्डर मानते हैं। तो इनकी राय के आधार पर निर्णय अवश्य होता है पर निर्णय ये नहीं ले सकते। तो यही है केंद्रीकरण की व्यवस्था। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण साम्यवादी दल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। पढ़ते हैं पुस्तकों में इसे किस रूप में अपनाया है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का साधारण अर्थ है कि प्रशासनिक, राजनीतिक व वित्तीय कार्यों व मौलिक प्रश्नों तथा नीति निर्धारण की प्रक्रिया आदि में केवल शिखर के नेता के आदेश ही सर्वोपरि व सर्वमान्य होते हैं। नीचे के स्तर के व्यक्ति केवल वहीं तक स्वतंत्र है जहां तक उनके नेता को आपत्ति न हो। और लोकतांत्रिकरण का अर्थ के रूप में ये कहा जाता है कि शिखर के नेताओं को निर्णय लेने से पूर्व निम्न इकाइयों एवं संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों की राय अपने से उच्च अधिकारियों के माध्यम से शिखर के नेताओं तक पहुंचानी होती है और इन्हीं सलाहों के आधार पर ये अपने समस्त निर्णय लेते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जहां तक उच्च अधिकारी को
अपने निम्न अधिकारी से कोई आपत्ति नहीं हो तब तक वो व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है, और जैसे ही अधिकारी को कोई बात समझ में ना आए तो उसे केवल अपने ऊपर के आदेशों का ही पालन करना होता है। और इस संगठन में इस जनता के समस्त कार्य, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे से सामाजिक हो और चाहे से अन्य विविध नैतिक न्यायिक कार्य ही क्यों ना हो, साम्यवादी दल जब भी कभी कोई कार्य करता है तो उन कार्यकर्ताओं को केवल अपनी राय को ही अपने से उच्च अधिकारियों तक पहुंचानी होती है और समस्त निर्णय वहां का केंद्रीय जो दल है उसी के द्वारा लिए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चीन का साम्यवादी दल लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की व्यवस्थाओं से परिपूर्ण होता है। अगली विशेषता है त्रिस्तरीय संगठन, कि चीन का साम्यवादी दल त्रिस्तरीय यानी तीन स्तरों में बटा होता है। ये तीन स्तर कौन कौन से हैं? ये तीन स्तर इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि जो चीन का साम्यवादी दल है उसका आकार पिरामिड के आकार का होता है। पिरामिड का अर्थ ये होता है कि नीचे से उसका भाग चौड़ा होता है और धीरे धीरे ऊपर जाते जाते वो शीर्ष तक केंद्रित हो जाता है। तो तीन स्तर इसके कौन कौन से हैं? चीन के इस साम्यवादी दल के तीन स्तर है। पहला स्तर है राष्ट्रीय दल, दूसरा स्तर है प्रांतीय दल और तीसरा स्तर है प्राथमिक दल। तो प्राथमिक दल का जो प्रारंभ से वहां पर शुरुआत होती है वो प्राथमिक दल है, उसकी संख्या काफी ज्यादा है यानी बहुत चौड़ा है। धीरे धीरे इसकी चौड़ाई कम होती है, उसमें प्रांतीय स्तर के नेता आ जाते हैं। जो प्रांतीय स्तर के कार्यकर्ता होते हैं वो बीच के अंदर स्थिति जाते हैं। फिर इसकी स्थिति और भी शंकु आकार की हो जाती है यानी और अधिक केंद्रित हो जाती है, उसमें राष्ट्रीय दल के नेता कार्य करते हैं। तो ये राष्ट्रीय दल के नेता के ऊपर भी सबसे ऊपर होता है पॉलिट ब्यूरो। क्या नाम है? पॉलिट ब्यूरो। ये एक छोटी सी समिति होते हैं और ये छोटी समिति ही समस्त निर्णय और आदेश निर्देशों को देती है, और इस पॉलिट ब्यूरो के आदेश निर्देश ही धीरे धीरे नीचे तक पहुंच जाते हैं। और अंतिम जो स्थिति है, ये तो सबसे ऊपर है, टॉप की स्थिति को पॉलिट ब्यूरो कहते हैं और सबसे लास्ट वाली स्थिति को सेल कहते हैं। इस सेल में 20 सदस्यों की एक समिति होती है और वही समिति इनकी मुख्य कार्यकर्ता होती है, जो प्रारंभ से लेकर प्राथमिक स्तर, प्रांतीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक अपनी राय इनको पहुंचाती है निम्न से ऊपर की तरफ, और आदेश जो होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। पुनः रिपीट कर लेंगे कि चीन का साम्यवादी दल पिरामिड के आकार का होता है और तीन स्तर का होता है। ये तीन स्तर है, राष्ट्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर और प्राथमिक स्तर, प्राथमिक दल स्तर भी कह सकते हैं और दल भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय दल, प्रांतीय दल और प्राथमिक दल। सबसे निम्न स्थान को बोलते हैं सेल और सबसे उच्च स्थान को बोलते हैं पॉलिट ब्यूरो। तो ये बातें हमें समझनी होगी कि किस रूप में ये कार्य करते हैं। तो जो लिखा गया है चीन के साम्यवादी दल के संविधानों में उसे अब हम पढ़ लेते हैं कि चीन का साम्यवादी दल तीन स्तरों में विभाजित है, राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्राथमिक। साम्यवादी दल का संगठन पिरामिड के आकार का होता है जिसमें दल के सभी सदस्य व्यवस्थित रूप से कार्य करते हैं। यदि हम राष्ट्रीय दल के दलीय संगठन पर विचार करते हैं तो 1987 में राष्ट्रीय स्तर पर दलीय संगठन को मुख्य रूपों से पांच भागों में विभाजित किया गया था, और ये पांच भाग हैं: दल की राष्ट्रीय कांग्रेस, दल की राष्ट्रीय कांग्रेस, नंबर दो है दल की
केंद्रीय समिति, नंबर 3 है पॉलिट ब्यूरो तथा उसकी स्थायी समिति, नंबर 4 है दल का सचिवालय और नंबर 5 है दल नियंत्रण आयोग। तो इन 5 भागों के माध्यम से जो राष्ट्रीय दल है वो कार्य करता है, यानी ये जो राष्ट्रीय दल मैंने आपको बताया ये 5 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? 5 भागों में ये विभाजित होता है, और सबसे ऊपर केंद्रीय समिति होती है जो पॉलिट ब्यूरो के नाम से जानी जाती है। इज इट क्लियर कि राष्ट्रीय दल 5 भागों में विभाजित होता है। दूसरा है प्रांतीय दल, इसको अब हम पढ़ लेते हैं कि स्थानीय जो दल है उसकी उसका संगठन किस प्रकार से होता है। राष्ट्रीय स्तर से प्रारंभ होकर देश के प्रांतीय भौगोलिक स्तर की इकाइयों तक पद सोपान क्रम इस प्रकार से व्यवस्थित होता है, वो है दल की प्रांतीय कांग्रेस, प्रांतीय दलीय समिति, प्रांतीय सचिवालय और प्रांत स्तरीय अनुशासन आयोग। ये 4 भागों में विभाजित है, दल की प्रांतीय कांग्रेस, प्रांतीय दलीय समिति, प्रांतीय सचिवालय और प्रांत स्तरीय अनुशासन आयोग। यानी जो राष्ट्रीय दल है वो 5 भागों में विभाजित होता है और उस रूप में ये कार्य करता है, और प्रांतीय दल जो है वो 4 भागों में विभाजित होता है। ये 4 भाग जो है वो अलग अलग रूप में कार्य करते हैं, और ये अलग अलग कार्य करने के बाद अपने कार्यशैली का जो निर्णय है उसे राष्ट्रीय दल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो प्रांतीय दल मध्यम जो है इसका पिरामिड का मध्यम साइज का जो है बीच का जो भाग है वो प्रांतीय दल कहलाता है। तीसरा है प्राथमिक दल, जो अंतिम लेयर है इसकी, और वो है दल के संगठन के प्राथमिक स्तर पर सेल है जो 20 सदस्यों की प्राथमिक इकाई होता है। प्राथमिक स्तर पर दल की शाखाएं प्रदेशों, झीलों, स्वायत्त क्षेत्रों, काउंट्रियों, नगरों तथा शहरों में ही नहीं बल्कि दल की इकाइयां का जाल जो है वो कारखानों, फैक्ट्रियों, कम्यूनों, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, स्कूलों, दफ्तरों, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की विभिन्न इकाइयों में व्याप्त है। कि ये जो प्राथमिक दल के जो सदस्य होते हैं वो समितियों के रूप में कार्य करते हैं। सबसे निम्न समिति जो है 20 प्रतिनिधियों की एक समिति होती है, और यह समिति हर जगह मौजूद होती है, चाहे से वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे से वो मजदूरों का कोई संगठन हो, चाहे से वो महिलाओं का कोई संगठन हो, चाहे से वो युवाओं का कोई संगठन हो, या फिर वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में जहां जहां फैल सकते हैं ये उसी जगह कार्य करते हैं। और ये इनकी शाखाएं जो है झीलों में, स्वायत्त क्षेत्रों में, काउंट्रीज में, नगरों में, शहरों में, यानी कि हर जगह मौजूद होते हैं। न केवल छोटे से छोटे शहर बल्कि छोटे से छोटे गांव और कस्बों तक इनकी पहुंच होती है, और ये सभी मिलकर जो प्राथमिक दल है वही प्राथमिक सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, और इसके अंतिम भाग को जो है इसका बेस या आधार है उसे सेल कहते हैं, और ऊपरी भाग को पॉलिट ब्यूरो कहते हैं। और ये जो स्तर है त्रिस्तरीय संगठन वो इसी रूप में मौजूद होता है। लेकिन दल में कुछ सहायक संगठन भी हैं, और वो सहायक संगठन जैसे जैसे लोकतंत्र का फैलाव होता जा रहा है तो केंद्रवाद का सिद्धांत भी इस पर हावी होता चला जा रहा है, जिसकी वैचारिक आधार भूमि मार्क्स, लेनिन व माओवाद के विचार से दल के राष्ट्रीय, प्रांतीय व प्राथमिक स्तर के रूप में संगठित होने के अतिरिक्त
कुछ अन्य सहायक अंग भी होते हैं जो चीन के साम्यवादी दल को और भी अधिक बलिष्ठ करते हैं। ये दल के प्रमुख नाम है जैसे युवा साम्यवादी लीग, श्रमिक तथा मजदूर संगठन, महिलाओं का संगठन, लाल रक्षक, बाल लाल रक्षक। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चीन में साम्यवादी दल का जो संगठन है वह अत्यंत व्यापक एवं विकसित है तथा यह दल लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के सिद्धांत के आधार पर ही कार्य करता है। तो और भी अधिक मजबूत या सुदृढ़ता देने के लिए इस साम्यवादी दल में कुछ सहायक संगठन भी कार्य करते हैं और वो सहायक संगठन इस दल को मजबूती देते हैं और मजबूती के साथ साथ ये इतना व्यापक होता चला जा रहा है कि इसकी पहुंच अब न केवल बच्चों तक, न केवल युवाओं तक और न केवल महिलाओं या पुरुषों तक ही नहीं बल्कि हर वर्ग के युवाओं में, बच्चों में, महिलाओं में ये अपना गहन जड़े जमा चुका है कि अब साम्यवादी दल की जो शक्ति है वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। तो चीन के ये सहायक दल इसमें बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आता चला गया और ये जो प्रारूप था वो थोड़ा सा धुंधला नजर आने लगा और इसमें फिर से कुछ परिवर्तन किए गए और उस परिवर्तनों को हम इस रूप में देख सकते हैं कि साम्यवादी दल के 12वें अधिवेशन में दल के विधान में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और अब उनका संगठन निम्न भागों में विभाजित है और ये भाग 6 विभाग है जिनके नामों से हम परिचित हो जाते हैं कि पहला नाम है प्रारंभिक संगठन सेल, जो हमने पढ़ा पहले भी वही था, प्रारंभिक संगठन सेल जिसके सदस्यों की संख्या 20 है कि 20 सदस्य मिलकर इस प्रारंभिक संगठन सेल का निर्माण करते हैं जो साम्यवादी दल के जन प्रतिनिधि होते हैं। दूसरा भाग है केंद्रीय समिति। केंद्रीय समिति बीच वाला दल जिसे प्रांतीय दल जो कहा जाता है उसी रूप में इसकी मौजूदगी होती है कि ये बीच में होता है इसलिए इसका नाम है केंद्रीय समिति, जिसमें 356 सदस्य होते हैं और ये 356 सदस्य जो प्रारंभिक संगठन सेल के सदस्यों द्वारा जो भी रिपोर्ट्स सूचनाएं आती हैं उनको पूरा अध्ययन करके उनका निर्णय ऊपर की सेल में पहुंचा देते हैं यानी राष्ट्रीय दल तक पहुंचाने का काम ये केंद्रीय समिति करती है। तीसरा भाग है पॉलिट ब्यूरो, जो केंद्रीय समिति के केंद्रीय समिति से काफी छोटा होता है लेकिन शक्तियों के रूप में ये बहुत ही बड़ा भाग है क्योंकि निर्णय और आदेश निर्देश यहीं से जारी होते हैं। इस पॉलिट ब्यूरो में मात्र 24 सदस्य होते हैं और इन 24 सदस्यों का निर्णय ही पूरे साम्यवादी दल को कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहता है। चौथा भाग है सचिवालय और इस सचिवालयों में निम्न सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और इसमें 8 नियमित व 3 वैकल्पिक सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ये सदस्य मिलकर ही समस्त कार्यों और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। पांचवा भाग दल नियंत्रण आयोग है जिसमें 17 नियमित और 4 वैकल्पिक सदस्य होते हैं। ये नियमित सदस्य और वैकल्पिक सदस्य की व्यवस्था भी इस दल को अधिक प्रभावी बनाने में कारगर साबित होती है या सहायक साबित होती है। और अंतिम जो इसका भाग है वह है सहायक संगठन, सभी वर्गों के सदस्यों से यह निर्मित होता है जिसमें बच्चे, बड़े, महिलाएं और कई संयुक्त अन्य समाज के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं और इसके कुछ सहायक संगठन हैं लाल रक्षक,
बाल लाल रक्षक, महिलाओं का दल और कुछ संयुक्त मोर्चा और युवा साम्यवादी लीग। तो इस प्रकार की जो संगठन है वो सभी के सभी चीन के साम्यवादी दल के जो सदस्य संख्या है वो संख्यात्मक दृष्टि से बड़ा नहीं है, लेकिन चीन का अल्पांश ही है, लेकिन अपनी गुणवत्ता, अपने कार्यों को प्रभावी बनाने की क्षमता जो चीन के साम्यवादी दल में है वो विश्व के अन्य किसी दल में मौजूद नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि चीन का साम्यवादी दल ही विश्व का सबसे अधिक प्रभावी दल होता है।